ओके, चंद्रमुखी आ रही है, समझ गया। से हॉलिडे है सर? हॉलिडे आपका है आई थिंक सो 2 तारीख से लेके शायद 1 से 7 तक है, बट कंफर्म आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में। गुड आफ्टरनून राम प्रवेश, ठीक है। तो यहां तक हो गया, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लंट एंड वाला, ये स्लाइड हो गई थी। कनक शर्मा, हाँ कोटा आ सकते हैं अभी, क्यों नहीं आ सकते? कोटा बिल्कुल आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक है क्या? कनक शर्मा आ सकते हो। मैं पूछ रहा हूं, जो आपको स्लाइड दिख रही है, जो स्लाइड आपको दिख रही है, क्या यही स्लाइड पढ़ाई थी? ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर हो गया, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ओके ये हो गया। ये बता दिया था मैंने, ये टेबल बता दी थी, इसको याद करने का तरीका बता दिया था, इको सुरमेगा, ठीक है, बस यहीं तक हुआ है, ओके फाइन, ये टेबल हो गई मतलब, ओके। तो अब बात करते हैं हम जॉइनिंग एंजाइम्स की। जॉइनिंग एंजाइम्स मतलब कि डीएनए के दोनों सिरों को जोड़ने वाला जॉइनिंग एंजाइम लाइगेज, और इसी को आप मॉलिक्यूलर इसी को भी आप मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हो। क्या कहते हो? मॉलिक्यूलर ग्लू या मॉलिक्यूलर ग्लू, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, ग्यूल या ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हो। ब्लंट एंड नहीं बताए हैं, तो ब्लंट एंड तो हो गए पहले ही, अब तो कोई कह रहा है कि ये भी बता दिए, कोई कह रहा है ये भी नहीं बताए हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम हो गए, ये हो गया, सिंथेसाइजिंग भी हो गया, ये हो गए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो बोर्ड पर, जिसको ब्लंट पूछना है बाद के लास्ट के 5 मिनट में कर लेंगे वो। अब बोर्ड पे देखो, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी देख लो, एक एंजाइम होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। दिस एंजाइम रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 एंड ऑफ डीएनए बाय दिस प्रिवेंट सर्कुलाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब देखो ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को आपने आरई के साथ में काटा, तो यहां पर इस तरीके से ब्लंट एंड बने, ये प्लाज्मिड हो गया आपका, ये क्या ये दोनों एंड आपस में नहीं जुड़ सकते क्या? क्या ये आपस में नहीं जुड़ सकते क्या? ये यहां से और ये पास पास आ जाए और आपस में जुड़ जाए, इधर से ये और इधर से आकर नहीं जुड़ सकते क्या? जुड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर 5' एंड पर जो OH था, फ्री OH, उसको ये एंजाइम रिमूव कर देता है, तो अब नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल है, ये आपको मिल जाएगा स्लाइड के अंदर इस एंजाइम का, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, या कर लो तो अच्छी बात है, या ना भी कर पाओ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं ही पूछा जाएगा, ठीक बात है, ओके। आगे चलें, तो आगे चलो, वेक्टर की बात आज हम करने वाले हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, वेक्टर है क्या? क्या है वेक्टर? आप वेक्टर से क्या समझते हो? कैरियर, सही बात है, वेक्टर आर द कैरियर्स और व्हीकल डीएनए विच ट्रांसफर डिजायर जीन इनटू द होस्ट सेल। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक कैरियर है, एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, जिसके ऊपर हमारा डिजायर जीन बैठ करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होने जाएगा।
जैसे हमारा डिजायर जीन है इंसुलिन का, वो एक वेक्टर से चिपकेगा और फिर उसके ऊपर बैठ करके इकोलाई में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो यहां पर हुआ ये। अब वेक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं, अगर ये फीचर्स नहीं हो तो वेक्टर किसी काम का नहीं है। तो पहला फीचर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो अपना रेप्लिकेशन कर सके। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक इसका मैन डबल सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड। एक है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इसको बोलते हो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास में क्या होता है, ओरिसाइट होती है, ओरिसाइट, ORI, ओरिसाइट। इस ओरिसाइट के अंदर ये पावर है कि ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है, मतलब जब मेन डीएनए रेप्लिकेट ना करे तो भी प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है। तो प्लाज्मिड की एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, पांचवी कॉपी, छठी कॉपी, सातवीं कॉपी, आठवीं कॉपी, नवीं कॉपी, दसवीं कॉपी, ऐसे कॉपी जनरेट हो सकती है बहुत सारी, ठीक है। 50, 100, 150, इतने प्लाज्मिड भी एक सेल में हो सकते हैं। अब मान लो हमने कोई डिजायर्ड जीन बना करके और बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जब इस जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया और अगर ये प्लाज्मिड खुद का रेप्लिकेशन करता रहे और सेल डिवाइड भी ना करे, अगर प्लाज्मिड खुद का रेप्लिकेशन करता रहे, अपना कॉपी नंबर बढ़ाता रहे, तो क्या उस जीन का भी कॉपी नंबर बढ़ता रहेगा? बताओ, क्या उस जीन का भी कॉपी नंबर बढ़ता रहेगा? यस, बढ़ता रहेगा। और जब इस जीन का कॉपी नंबर बढ़ता रहेगा तो हमारे लिए तो फायदे की बात है, हमें तो मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि अगर जीन के कॉपी नंबर बढ़े, तो क्या होगा, ज्यादा एमआरएनए बनेगा, ज्यादा ज्यादा प्रोटीन बनेगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर भी जीन है, यहां पर भी जीन है, यहां पर भी जीन है, तो अब ज्यादा प्रोटीन बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्लाज्मिड में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर ORI हो, यानी कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करे तो भी प्लाज्मिड डिवाइड होकर के दूसरे में पहुंचे, ठीक है, तो भी प्लाज्मिड डिवाइड होकर दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचे और अपने अंदर भी वो कॉपी नंबर इंक्रीज करता रहे ताकि हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ता रहे। तो इस तरीके से हमने बात करी प्लाज्मिड की कि वहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर। ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के ऊपर कोई ना कोई सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि उससे हमें पता चल सके कि हमारा ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं। अरे सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है कि मान लो प्लाज्मिड के ऊपर ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब आपने क्या किया, इस प्लाज्मिड को लिया और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, काट लिया, यहां पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, ये रही। और यहां पर आपने लगा दिया है, ये आपने लगा दिया है इसके अंदर क्या, ये आपकी डिजायर्ड जीन, इंसुलिन की जीन लगा दी आपने, ग्रीन वाली। अब जब आप इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करोगे, इसको ट्रांसफर कहां करोगे, बैक्टीरिया के अंदर, तो ये देखो ये बैक्टीरिया के अंदर ये रहा, ये रहा बैक्टीरिया के अंदर, ये गया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी आ गई। तो क्या ये नया वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा क्या, बताओ क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा? अरे नो बोल रहे हो, पागल हो गए हो। मैंने क्या बोला है, वेक्टर के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, अगर मैंने इसको काटा यहां से, मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को नहीं काटा है, ध्यान दो, पहले बोर्ड पे देखो, मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को नहीं काटा है, वो सेफ है,
मैंने कहीं और से प्लाज्मिड को काटा है और वहां पर जीन इंसर्ट की है और इस प्लाज्मिड को मैंने, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, क्या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करेगा नया वाला बैक्टीरिया? हाँ बिल्कुल करेगा, पहले ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था लेकिन जब मैंने इसमें ऐसा प्लाज्मिड डाला तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर हमारी इसकी एंटीबायोटिक की जीन पहुंच चुकी है और ये जीन अभी सेफ है, अभी ये जीन सेफ है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर की कि ये होना चाहिए। फिर बात है क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट, उसके ऊपर क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जिससे हम उसको काट सके। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होनी चाहिए, समझ गए, ताकि वो उसको कट कर सके, ठीक है। तो ये है किसी भी वेक्टर की प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, तो इसके बारे में, दिस साइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल। ये हम बात कर चुके हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो डिजायर्ड जीन का नंबर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वेक्टर भी रेप्लिकेट करेगा तो जीन भी रेप्लिकेट करेगी। इसी को आप बोलते हो क्लोनिंग ऑफ द जीन। आप बोलते हो हम जीन क्लोनिंग पढ़ रहे हैं तो जीन क्लोनिंग ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर एक जीन की एक से ज्यादा कॉपी बढ़ती है बैक्टीरिया के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? एक जीन की एक से ज्यादा कॉपी बनती है क्योंकि प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है 10 बार 20 बार 100 बार। मैंने अभी इनसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं पढ़ाया है आकृति सिंह, अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ रखा है तो आप उसको तब तक मत याद करो जब तक मैं ना पढ़ाऊं। मैंने अभी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया। यहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तब होता जब जब मैं इस प्लाज्मिड को यहां से काटता यहां से और ये जीन कट जाती, ठीक है। अगर इस जीन के दो टुकड़े हो जाते, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के दो टुकड़े हो जाते तब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता। साउंड कम आ रही है क्या? साउंड ठीक आ रही है, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? मैं जो भी चीज बता रहा हूं उतना ही समझो। इसका मतलब यह है कि आप लोग समझना नहीं चाहते हो, आप लोग मुझे समझाना चाहते हो तो मुझे मत समझाओ। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जब आएगा तब बात करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखो कि मैंने क्या बताया है कि अगर प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो अगर उस प्लाज्मिड को आपने कट किया यहां से और कट करने के बाद में आपने, मैंने यहां से कट किया इसको, यहां से कट करने के बाद में इंसुलिन की जीन डाली और उस जीन को, उस प्लाज्मिड को मैंने बैक्टीरिया में डाला तो बैक्टीरिया क्या शो करेगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा। इंसर्शनल एक्टिवेशन बाद में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओके आकृति सिंह बेटा, क्लियर है बात? ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट, हमने बात कर ली कि ये साइट क्या करेगी, क्लोनिंग करेगी जीन की, मतलब कॉपी नंबर इंक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हाँ बिल्कुल, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब क्या है ये, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू द दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द सेल। ये हमने वही बात करी कि अगर हमने कोई भी जीन का टुकड़ा, कोई भी डीएनए का टुकड़ा जो एक जीन है इसके साथ एड कर दिया तो वो भी इसके साथ में रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट, ओरिसाइट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड विद इन द सेल। ये हमने बात कर ली है। ओरिसाइट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड विद इन द सेल। कि ओरिसाइट ही रेस्पॉन्सिबल है कि उसके कितने नंबर हो। नेक्स्ट, सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली वन और टू कॉपीज पर सेल।
आपने वापस से ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, अब आपके पास कुछ ऐसा बन गया। ऐसा ये जो ग्रीन और रेड वाले हैं रिकॉम्बिनेंट है, इनमें इंसुलिन की जीन जुड़ चुकी है, और ये जो रेड वाले हैं ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। मान लो ये ऐसे कैसे रह गए, ये जो थे ना ये प्लाज्मिड, इनके अंदर जीन ऐड नहीं हुई है, ऐसे कैसे रह गए और कुछ में जीन ऐड हो गई। बात समझ में आ गई? तो दो केस बन सकते हैं। तो आपने ये बना लिया, अब आपने इसको उठा करके कहां डाला, एक बीकर लिया, इसके अंदर क्या लिए, ई कोलाई। ये क्या है, ई कोलाई, ये क्या है, ई कोलाई, ई कोलाई। अब आपने ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, अब इसके अंदर दोनों चीजें हैं, देख लो इसके अंदर दोनों चीजें हैं, क्या क्या हैं, ये वाले भी हैं जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं और ये वाले भी हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इकोलाई की सेल मान लो इसको इंटेक नहीं करती है, इकोलाई की सेल ने इंटेक नहीं किया, यहां पर इंटेक नहीं किया, तो ये कैसा बन गया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। क्या बोलोगे इसको, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। इकोलाई की सेल ने इसको इंटेक नहीं किया तो ये कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। अगर इकोलाई की सेल इस सिंपल वाले को इंटेक कर ले जो कि रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, सिंपल वाले को इंटेक कर ले तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म तो हो गया, एक ही साइड होती है कट करने की, मैंने आपको साइड की याद करवाई थी, जीजी बमला, इको सुरमेगा, तो वहां पर एक तरह की साइट होती है, तो दोनों में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनेंगे तो फिर वहां पर आराम से पेयरिंग होगी, स्टिकी एंड्स बनेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है, मैंने अभी बताया कि तीन केस हो सकते हैं, अब तीन केस हो सकते हैं तो ये कौन सा है, इसको कैसे हटाओगे, हमें तो केवल इसी को रखना है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, तो हमें इसको लेना है। इसको पहचानोगे कैसे, इसको पहचानोगे सेलेक्टेबल मार्कर से, कैसे पहचानोगे, सेलेक्टेबल मार्कर से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब बात सुन लो ध्यान से, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मान लो हमने एक ऐसा प्लाज्मिड लिया, देखो समस्या क्या है, हमने एक ऐसा प्लाज्मिड लिया, इसके अंदर जीन है कौन सी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये कौन सी जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। आपने साहब प्लाज्मिड ले लिया, अब क्या होगा, जब आप ये प्लाज्मिड ले लोगे तो आप इसको कट करोगे और कट करके ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका या तो प्लाज्मिड चेंज ना हो और या फिर प्लाज्मिड चेंज हो जाए, ये लो, या तो प्लाज्मिड चेंज ही ना हो, या तो प्लाज्मिड ऐसा ही रह जाए और या फिर प्लाज्मिड ऐसा भी रह सकता है, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर कोई सेल है जिसमें प्लाज्मिड नहीं गया है, ये इसमें प्लाज्मिड नहीं गया, तो क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगी, इसमें प्लाज्मिड नहीं गया। भाई दो तरह के प्लाज्मिड बन सकते हैं, एक तो ऐसा बन सकता है, ऐसा ही रह सकता है, और एक ऐसा भी बन सकता है जिसके अंदर जीन अटैच हो गई, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं गया तो क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के ऊपर मर जाएगी, ये एंटीबायोटिक डालने पे मर जाएगी, तो इसका तो खेल खत्म। लेकिन देखो इसमें क्या हुआ है, इस वाली सेल में ये गया है, मतलब कि इसमें जीन अटैच नहीं है लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, और इसमें ये गया है, इसमें जीन भी अटैच्ड है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी है, तो मुझे बताओ जब मैं एंटीबायोटिक डालूंगा तो इन दोनों में से कौन सा मरेगा, कौन सा मरेगा,
कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि जीन तो एंटीबायोटिक जीन तो दोनों में गई है, इसमें भी गई है और इसमें भी गई है। हाँ, इस वाले में इंसुलिन की जीन नहीं गई है, इस वाले में इंसुलिन की जीन गई है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो दोनों ही शो करेंगे। अब इन दोनों को कैसे मैं सेलेक्ट करूं कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, बताओ। इन दोनों को मैं कैसे सेलेक्ट करूं, अब मुझे बताओ। इंसुलिन डालकर कैसे करेंगे चेक? नहीं, इंसुलिन बेसिस के, इंसुलिन जीन के बेसिस पर नहीं करेंगे इसको चेक। नहीं, इसको चेक करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते हो। जब मैं बोलता हूं दोबारा रिपीट कर दूंगा, तुम ध्यान नहीं देते हो, तो इस बार मैं रिपीट नहीं करने का हूं। ध्यान से सुन लेना अगर समझना हो तो। हम एक ऐसा प्लाज्मिड लेंगे जिस प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। मान लो ये जीन जो है वो है एम्पिसलिन रेजिस्टेंट, और एक जीन हमने लिया वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। आ गई बात समझ में? हमने दो जीन वाला वेक्टर ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर को कहां से कट किया, हमने इस वेक्टर के अंदर वो वाला एंडोन्यूक्लियस यूज किया जो इसको किसी ना किसी, या तो एम्पिसिलिन की जीन को काटे या टेट्रासाइक्लिन को काटे। मान ले हमारा, मान लो हमने जो एंडोन्यूक्लियस चूज किया है उसकी साइट इस जीन के अंदर है। कौन सी जीन है ये? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब कट जाएगी क्या? ये एम्पिसलिन रेजिस्टेंट तो यहीं पर है, ये तो है एम्पिसलिन रेजिस्टेंट। लेकिन अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिनके दो टुकड़े हो चुके हैं, हो गए दो टुकड़े, तो एम्पिसलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब खराब हो गई क्या? हो गई ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारी डिजायर्ड जीन को यहां पर जोड़ा, इंसुलिन की जीन को जोड़ा यहां पर। ये लो, ये इंसुलिन की जीन आ गई। ठीक है, ये इंसुलिन की जीन आ गई। अब हमने इस वाले को ट्रांसफर किया, इस वाले को, ये लो यहां कर दिया और यहां कर दिया और यहां कर दिया। इसमें तो ये गया ही नहीं, इसमें गया लेकिन इसमें सिंपल वाला गया, इसमें गया लेकिन इसमें कौन सा गया, ये वाला गया जिसमें जीन नहीं थी। ठीक है, तो इसमें दो ये वाला गया। तो इस वाले में देखो, इस वाले में हम बात करें तो यहां पर एम्पिसलिन रेजिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, लेकिन इस वाले में यहां पर ये इंसुलिन की जीन है और यहां पर एम्पिसलिन रेजिस्टेंट तो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाली जीन कट चुकी है, टेट्रासाइक्लिन वाली जीन काम की नहीं बची है, तो केवल और केवल एम्पिसलिन ही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को एम्पिसलिन वाले कल्चर मीडियम में डालूं तो कौन सा ग्रो करेगा, बताओ? दोनों ग्रो करेंगे। तो हम पूरे बैक्टीरिया को नहीं डालते हैं, थोड़े थोड़े उस स्ट्रेन में थोड़े थोड़े बैक्टीरिया को चेक करते हैं, तो दोनों ग्रो करेंगे। तो मतलब दोनों ग्रो कर रहे हैं तो ये कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एम्पिसलिन वाले माध्यम में तो दोनों ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जो ग्रो करेगा
जो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट नहीं है। बात सही आ गया। जो भी स्ट्रेन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रही है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, इस बेसिस पर चूज करेंगे। और बेटा आकृति सिंह, अब समझ में आया क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? आकृति सिंह ठीक है, तो यहां पर देख लो, एम्पिसिलिन में तो दोनों ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जो ग्रो करेगा वो क्या नहीं है? जो भी टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा वो क्या नहीं है? वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है, कोई कुछ बनाना चाहता है तो बना लो, मैं टाइम दे रहा हूं, बना लो अगर कोई कुछ बनाना चाहता है तो। ये बना लो, ये है, हाँ जाके जिक्रा बोलो क्या हुआ, जिक्रा वापस बोलो क्या हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों स्ट्रेन को अलग अलग ग्रो करवाएंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रो करवाएंगे। ये ग्रो करवा रहे हो आप दोनों स्ट्रेन को, आप इनमें से दो चार बैक्टीरिया को चेक करके देखोगे, दो चार बैक्टीरिया को चेक करके देखोगे कि जो, मेरी बात सुन लो मेरी बात, अरे बता रहे हैं भाई सब कुछ बता रहे हैं। अब पहले एक एक का क्वेश्चन क्लियर होने दो। पूरे के पूरे बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे, मैं आपस बोल रहा हूं, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे, जिसको मारेंगे थोड़े से को लेके चेक करेंगे, अगर वो मर गया तो रिकॉम्बिनेंट है, ये क्लियर है। अगर वो नहीं मरा तो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। एक ट्रेन थोड़े से लेके चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है, बच्चे पूछ रहे हैं कि इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों कहते हैं, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जीन में कोई दूसरी जीन इंसर्ट कर दी, इसके बीच में कोई दूसरी जीन इंसर्ट कर दी, और उसके इंसर्ट करने से टेट्रासाइक्लिन की जीन का इनएक्टिवेशन हो गया। आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर इंसुलिन की जीन या कोई भी जीन को इंसर्ट कर दिया, और उसके इंसर्ट करने के कारण उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इनएक्टिवेशन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो किसका क्वेश्चन था, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? बिकॉज वी आर इंसर्टिंग अब क्या करते हैं, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को निकाल देते हैं, और भाई और इन दोनों को छोड़ देते हैं आपस में रिएक्ट करने के लिए। अब कुछ में क्या होता है कि प्लाज्मिड कटता ही नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है, कटे तो कटे नहीं तो नहीं भी कटे। कुछ में क्या होता है, प्लाज्मिड कट जाता है, लेकिन ऐसे प्लाज्मिड कटा लेकिन वापस जुड़ गया, और कुछ में प्लाज्मिड कटा भी और बीच में जीन भी आ गई, तो ये हमारी मर्जी से नहीं होता, तीनों ही केस बनते हैं, तीनों में से हमें कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। समझ में आ गई जो अभी पूछ रहे थे? ओके,
तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे चलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ गया है। इसके अंदर कुछ गया है, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है सेकंड वाला, लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन की जीन नहीं गई। लेकिन थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेंट भी है, उसके अंदर कुछ गया भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है क्योंकि इंसुलिन की जीन भी गई है। बात समझ में आ गई? हाँ प्रिया वर्मा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे पता चलेगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। इस प्रोसेस को मैं वापस पढ़ाऊंगा, ये वापस आगे आएगा, चिंता मत करो। एक बार ओवरव्यू दिया है तुम्हें ताकि तुम्हें दो बार में अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है? ये अभी रिपीट होगा, ये चिंता मत करो, ठीक है? आगे चलते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। इस सेल को सेलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन, जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज, ये लो, एंपिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये रेजिस्टेंट जीन। नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल सेल में इनके लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है, केवल और केवल तभी हो सकता है जो हम रिकॉम्बिनेंट बना दें। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। पहला तो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज कर सकते हैं एज ए सिलेक्टेबल मार्कर ए, और बी है लैक जेड जीन। श्रुति गुप्ता बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि दोनों स्ट्रेन को पूरा पूरा नहीं मारेंगे, उनको चेक करेंगे कुछ बैक्टीरिया लेकर के। हमारी दोनों स्ट्रेन को हम अलग अलग ग्रो करवा देंगे, ऐसे ग्रो कर रही है। अब इसमें से कुछ कुछ बैक्टीरिया लेकर के हम चेक करेंगे, यहां से दो तीन बैक्टीरिया लिए चेक किया, यहां से दो तीन लिए चेक किया, ठीक है? फिर जो मर रहे हैं, जिस स्ट्रेन के बैक्टीरिया मर रहे हैं, उस स्ट्रेन को सेलेक्ट कर लेंगे। प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों था, हाँ बिल्कुल दोनों था, प्लाज्मिड में दोनों था, लेकिन जब उसको रिकॉम्बिनेंट बनाया तो फिर एक ही जीन बच गया, टेट्रासाइक्लिन कट हो गया, एम्पिसिलिन बच गया। अब मुझे बताओ लैक जेड जीन, लैक जेड जीन भी एज ए सेलेक्टेबल मार्कर काम कर सकती है, आगे आएगा ध्यान रखना। तो मुझे बताओ लैक्टोज ओपेरोन में, लैक्टोज ओपेरोन में जेड जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। तो अब मान लो हमने कोई ऐसा प्लाज्मिड बनाया, इसके अंदर आपने जेड जीन डाल दिया, ये कौन सा जीन है? जेड जीन है। तो ये नॉर्मल प्लाज्मिड क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को कट किया, और कट कहां से किया? लैक जेड जीन में से। लैक जेड जीन के दो टुकड़े हो गए, लैक जेड के दो टुकड़े हो गए, और बीच में आपने इंसुलिन की जीन डाल दी, ये इंसुलिन की जीन बीच में लगा दी। तो क्या अब रिकॉम्बिनेंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे? तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा वो रिकॉम्बिनेंट है। इससे कई बच्चों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि सर अगर वो मर जाएगा तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम उसको मार्कर्स की सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला तरीका बेस्ट है, इसमें मरेगा ही नहीं, बिना मरे ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई क्या? पहले साइंटिस्ट ऐसे चेक करते थे मार मार के, आजकल ऐसे चेक करते हैं बिना मारे।
तो जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है आगे हम अच्छे अच्छे तरीके भी ढूंढ रहे हैं। तो पहले मार मार के चेक करना पड़ता था, अब मार के चेक करने की जरूरत नहीं है, अब जेड जीन से चेक कर सकते हो। जिस जिसका ये डाउट था कि वो मर जाएगा तो क्या करेंगे, उसका क्लियर हुआ कि पहले वही ऑप्शन था, मार के ही चेक करना पड़ता था, थोड़े थोड़े लेके चेक करते रहते थे, अब मारने की जरूरत नहीं है, अब लेग जेड जीन से कर लेंगे। अब बताओ क्लियर है? क्लियर है सभी का? क्लियर है? आगे चले, पानी वानी पी लो, थक गए होगे बहुत देर से समझ रहे हो। मजा आ रहा है? ठीक है, मजा ही आना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या करोगे? अब देखो आपने क्या किया, क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोनिंग साइट का मतलब मैंने बताया था, साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड, ये क्लोनिंग साइट है। हम इसको इको आरआई से काटेंगे तो बैक्टीरिया, इको आर1 से काट रहे हैं, इसको भी इको आर1 से काट रहे हैं, तो यहां पर भी स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, यहां पर भी स्टिकी एंड्स बन रहे हैं। अब ये जाकर के ऐसे चिपक सकता है लाइगेज की सहायता से। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेम आरी से काटा और उसको जोड़ दिया। ये हमने जब आउटलाइन बनाई थी तभी बताया था कि आउटलाइन बनाई थी तब बताया था कि ऐसे ऐसे करेंगे काम। अब ये सामने आ गया, लो क्लोनिंग साइट एक्चुअली ए रेस्ट्रिक्शन साइट वेयर आरई कट द वेक्टर। तो आरई के अंदर क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है। अरे क्लोनिंग साइट क्यों बोला? क्योंकि हम जीन को वहां पे जोड़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोला? क्योंकि हम क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोला? क्योंकि हम वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाते हैं। तो दोनों का मतलब समझो, क्लोनिंग मतलब यहां पर जीन जोड़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन मतलब यहां से कट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ए वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बट ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ईच एंजाइम। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इसको पढ़ो पहले। ए वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बट ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ईच एंजाइम लाइक दिस। ये है हमारा वेक्टर। इस वेक्टर पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होनी चाहिए, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मान लो ये है इको आर1 की साइट, ये है इको आर2 की साइट, ये है इको आर3 की साइट, और ये है हिंद 3 की साइट। चार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की साइट है। ठीक है, क्या होगा? अब हम कह रहे हैं चार की साइट है पर हर की एक एक की साइट है। क्या होगा अगर इको आर1 की दो साइट हो जाए तो? अगर इको आर1 की दो साइट हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? अगर ये इको आर1 की दो साइट हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम कह रहे हैं सबकी एक एक ही होनी चाहिए, कितने की भी हो अच्छी बात है लेकिन सबकी एक एक ही होनी चाहिए। हाँ, अगर यहां से भी कट गया, सॉरी ये था ना हमारा, ये रहा। अगर यहां से भी कट गया और यहां से भी कट गया तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, दो टुकड़ों में, और दो टुकड़ों में हो जाएगी तो फिर क्या मतलब है? अगर ऐसे दो जगह साइट है, मान लो यहां पे भी है और यहां पे भी है, अगर दो जगह साइट है तो ये ऐसे टूट जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन अगर एक ही जगह साइट है यहां पर तो ये फिर ऐसे होगा और बीच में जीन आ जाएगी, ऐसे दिख रहा है ऐसे। तो एक एक से ज्यादा एंजाइम की साइट हो सकती है लेकिन एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट ऑफ आर ई विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। ये बात मैंने आपको बता दी, अरे समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर, प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, हम कई बार बात कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, तो ये प्लाज्मिड होता है, हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्लाज्मिड्स के कुछ एग्जाम्पल, एक तो नेचुरल प्लाज्मिड हो सकता है जो किसी बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन PBR322 ये एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड को बनाया है बोलीवर एंड रोड्रिग्यूस साइंटिस्ट ने, रोड्रिग्यूस साइंटिस्ट एंड बोलीवर साइंटिस्ट ने, इन्होंने इसे बनाया है। यहां पर आप देख सकते हो ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसको साइंटिस्ट ने बनाया है कई सीक्वेंस को जोड़ करके, और ये काम में आता है बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के। यहां पर इस प्लाज्मिड की फोटो है, इस प्लाज्मिड के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर दो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये एम्पिसलिन और टेट्रासाइक्लिन वाला, दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। कितने सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, दो। कितने एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, और सभी के लिए एक एक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं, एम्पिसलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यहां पर एक ओरी है, ओरी का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहां पर एक आरओपी है। आरओपी पीएससी फर्स्ट से ही कट करेंगे, हिंद वगैरह से कट करोगे तो फिर सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ये बात है। हाँ, तो उनको अपन प्रीफर नहीं करेंगे, यहां पर अपन पीवीयू फर्स्ट, पीएससी फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, साल वन से ही ठीक कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बताना है एक बार फिर से वैष्णवी?
क्या बताना है एक बार फिर से? देखो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो देखना, भी तुमको वीडियो मिलेगा। अभी आगे चलते हैं और फिर कल पूछ लेना कुछ भी बात हो तो। तो इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। नेक्स्ट आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, डन। नाउ दूसरा एग्जांपल है पीयूसी 18 एंड पीयूसी 19, यानी कि प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये दो प्लाज्मिड बना रखे हैं तो इनको बोलते हैं पीयूसी 18 एंड पीयूसी 19। डन। नेक्स्ट ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। ये भी बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट टीआई प्लाज्मिड, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस जो कि नेचुरल रूप से प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करता है। उस टीआई उस एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर के लिए, तो वो है टीआई प्लाज्मिड। और है आरआई प्लाज्मिड, ये है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो ये भी एक बैक्टीरिया से मिलता है, इसको भी प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। तो ये नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर है यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन डाइकोट प्लांट्स। नेक्स्ट साइज ऑफ डिजायर जीन ट्रांसफर बाय प्लाज्मिड इज 0.5 KB to 8 KB। ये बात समझ में आ रही है? किलो बेस, यानी जीन की साइज अगर 0.5 किलो बेस से 8 किलो बेस है, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड? 500 बेस टू 8000 बेस है, तो इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो प्लाज्मिड के थ्रू। तो सबसे छोटा प्लाज्मिड ही होता है जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स में, सेकंड है वायरस। अब आपको पता है वायरस भी अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया के अंदर या किसी सेल के अंदर, तो वायरस भी एज ए वेक्टर काम कर सकते हैं। जैसे कि लैम्डा बैक्टीरियोफाज, ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर के लिए काम में लिया जा सकता है। ये हो गया जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। दूसरा है रेट्रोवायरस, ये भी किसी एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर कर सकता है रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस को क्या बोलते हो? इसको रेट्रोवायरस क्यों बोलते हो? हाँ, एचआईवी वायरस। पर रेट्रो क्यों बोलते हो? बिकॉज आरएनए, बिकॉज उसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसलिए। ठीक है, नाउ सी कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस भी प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साइज ऑफ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर बाय बैक्टीरियोफाज इज 9 KB to 23 KB। 9 KB से 23 KB तक हम वायरस के द्वारा जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये प्लाज्मिड से बड़े हैं। ध्यान रखना, प्लाज्मिड से ज्यादा कैपेसिटी है इनकी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर वेक्टर में है कोजमिड। और कोजमिड जो है ये भी बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर के काम में आते हैं, और इनकी साइज जो है वो है 30 KB to 45 KB। ठीक है, फिर है बाक। बाक है, फिर हमने बाक में पढ़ा था कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये इससे भी बड़ी साइज का है। इसकी साइज होती है 50 KB to 300 KB। और फिर है याक, और ये है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसकी भी साइज होती है सबसे बड़ी, तो इसकी साइज होती है 1000 KB to 2500 KB। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये सभी याद रखने हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? याक। सबसे छोटा कौन सा है? प्लाज्मिड। तो
प्लाज्मिड से याक तक आपको वन बाय वन याद होने चाहिए कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। बोलो याद रख लोगे क्या, याद कर लोगे क्या? ठीक है, आगे सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन होस्ट सेल। वेक्टर का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हो? एक तो होस्ट सेल के बेसिस पे कि होस्ट सेल कौन सी है। जैसे मान लो होस्ट सेल अगर एनिमल सेल है तो क्या चूज करोगे? रेट्रोवायरस। होस्ट सेल अगर प्लांट सेल है तो क्या चूज करोगे? टीआई प्लाज्मिड। होस्ट सेल अगर बैक्टीरियल सेल है तो क्या चूज करोगे? प्लाज्मिड पीबीआर 322। तो हमने बताया कि सिलेक्शन ऑफ वेक्टर किस बात पे बेस्ड है? होस्ट सेल पर। और दूसरी बात यह है कि उस उसकी हमारी डिजायर्ड जीन का साइज क्या है। तो डिजायर्ड जीन का साइज अगर कम है तो प्लाज्मिड और ज्यादा है तो याक को तब चूज करेंगे जब उसकी साइज बड़ी हो और यीस्ट में ट्रांसफर करना हो। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज क्या है, जीन की साइज क्या है, ट्रांसफर किसमें करना है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, पहला है होस्ट सेल एंड दूसरा है साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। नेक्स्ट, डिजायर्ड जीन की बात करते हैं। डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए से हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, डिजायर्ड जीन इज दैट जीन विच इज ट्रांसफर इन टू द होस्ट सेल ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि अगर हमें इंसुलिन बनाना है तो हमारी डिजायर्ड जीन क्या है? इंसुलिन की जीन है। आ गई बात समझ में? तो ये हुई, ये एक रैंडम मेथड है, मतलब कि इसको रैंडमली कट करते हैं हम। फिर है दूसरा मेथड है सीडीएनए फॉर्मेशन मेथड, और तीसरा है सिंथेटिक मेथड की आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर लो। पहला है रैंडम मेथड। इन दिस मेथड होल डीएनए इज कट बाय आरई एंड डिजायर्ड जीन इज सिलेक्टेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी एंड जीन सीक्वेंसिंग। अब इसमें क्या करोगे, रैंडम मेथड में आप क्या करो, पूरे के पूरे डीएनए को, पूरे के पूरे डीएनए को काट लोगे आरी से, और आरी से काट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवा सकते हो, करवाओ। अब आपको पता है कि इंसुलिन की जीन की लंबाई कितनी है, तो आप वहां से पकड़ लोगे। आपको पता है कि ऑटो रेडियोग्राफी में वो कैसी दिखेगी, तो वहां से पकड़ लोगे। तो इस प्रकार से आप रैंडम मेथड से सेलेक्ट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट ए गुड मेथड। नेक्स्ट, सीडीएनए फॉर्मेशन। तो हमने आपको बताया था कि सीडीएनए फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे? पहले एमआरएनए ढूंढोगे, उसका इंसुलिन की जीन का एमआरएनए ढूंढोगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जीन बना लोगे। तो ऐसे ये एमआरएनए, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सीडीएनए, ये जीन बन गए। इसको क्या बोलते हो? जब एमआरएनए से डीएनए बनता है तो क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए। बन गया सीडीएनए। नाउ इसको आप एड करा दो इकोलाई में और अब ये एमआरएनए बनाएगा। बात आ गई के समझ में कि एमआरएनए को ढूंढ के ले आओ पर्टिकुलर जीन की। अरे बात समझ में आ रही है? डिजायर्ड जीन को ढूंढने के कितने तरीके हैं? तीन। पहला तो रैंडम, कि रैंडमली कट करो और ढूंढो, बट दिस इज नॉट ए गुड मेथड। दूसरा है सीडीएनए फॉर्मेशन मेथड, कि आप एमआरएनए बनाओ, सॉरी एमआरएनए को ढूंढो और एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दो। फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या बना दोगे, क्या बना दोगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से? उसको इंसर्ट कर दोगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो आपका जीन है, उसको इकोलाई में इंसर्ट करो प्लाज्मिड की सहायता से और फिर एमआरएनए बनाओ, आराम से प्रोटीन बनाओ। तो ये हो गया आपका डीएनए फॉर्म बाय एमआरएनए इज कॉल्ड सीडीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, बस रिकॉल हो रहा है। नेक्स्ट, सीडीएनए फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन एस्केप द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। अब मुझे बताओ, जब हम सीडीएनए बनाते हैं, जब हम एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, देखो अगर आपने कोई जीन ली, ये जीन है,
इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? कोडिंग, नॉन कोडिंग, ठीक है, फिर ये कोडिंग, इससे बनता है HNRNA. HNRNA की होती है स्प्लाइसिंग, और वो स्प्लाइसिंग होकर क्या बनती है? हमारी mRNA. ये आपको बात पता है ना? अरे ये बात याद है, पहले HNRNA बनेगा, फिर क्या बनेगा? mRNA बनेगा. तो हमारा mRNA जो है, क्या उसमें नॉन कोडिंग पार्ट है क्या? तो जब इसमें नॉन कोडिंग पार्ट नहीं है, तो जब इससे तुम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जीन बनाओगे, तो क्या उस जीन में नॉन कोडिंग पार्ट आएगा क्या? तो स्प्लाइसिंग, अब वो जो जीन बनी है, इसकी स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? HNRNA बनेगा क्या इससे? अब इससे HNRNA नहीं बनेगा, इससे तो डायरेक्ट ही mRNA बन जाएगा. ये देखो डायरेक्ट ही बन रहा है. तो मुझे बताओ प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होती है क्या? मैं कह रहा हूं सौम्य, वापस सुन लो. ये इतनी लंबी जीन है, इसमें कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग भी है, फिर कोडिंग भी है. तो जब तुम इससे बनाओगे RNA, तो पहले बनेगा HNRNA, ठीक है. अब क्या बनेगा? mRNA. और mRNA बनने से पहले क्या होती है? स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम नॉन कोडिंग पोर्शन को हटाते हैं, इंट्रोन्स को हटाते हैं, ठीक है. तो अब mRNA बन गया. अब mRNA से अगर तुम जीन बनाओगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, तो क्या उस जीन के अंदर नॉन कोडिंग पोर्शन होगा क्या? बोलो बेटा सौम्य, नहीं होगा. तो ये हमारे लिए एक अच्छी जीन बन रही है, अच्छी वाली जीन. इसमें हमें स्प्लाइसिंग नहीं करनी पड़ेगी, और प्रोकैरियोट में तो स्प्लाइसिंग होती ही नहीं है, तो फिर हम कैसे करते? तो हम ऐसी जीन डालेंगे जिसमें स्प्लाइसिंग की जरूरत ही ना पड़े. तो यहां पर एक फायदा यह है कि स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब है सिंथेटिक मेथड, यानी कि आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हर जीन का सीक्वेंस पता है, तो आप टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, अगर हम डीएनए टेम्पलेट पर बनाते तो बोलते टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, लेकिन आप क्या करोगे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर किसी भी जीन को सिंथेसाइज करोगे ओकोवा सोर्बेटो एंजाइम से. सोर्बेटो ओकोवा एंजाइम से आप सिंथेसाइज कर लोगे जीन को. ये कोरेनबर्ग ने सबसे पहले सिंथेसाइज किया था डीएनए, आपको पता है सिंथेटिक डीएनए, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज वन को कोरेनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं. याद है कोरेनबर्ग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सिंथेसाइज किया था डीएनए, ठीक है. सेकंड है खुराना सिंथेसाइज फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन. डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन बनाई थी, बात आपको याद है, ठीक है. नेक्स्ट, पहले हम बात करें कि खुराना साहब ने क्या चीज की थी. ही सिंथेसाइज द जीन कोडिंग फॉर यीस्ट एलेनिन टीआरएनए, यानी कि वो वाला टीआरएनए जो एलेनाइन को लोड करता है, उसके लिए जीन बनाई थी जिसमें 77 बेस पेयर्स थे. बट इट वॉज नॉट फंक्शनल. मतलब खुराना साहब ने सबसे पहले एक ऐसी जीन बनाई थी जो कि यीस्ट के उस टीआरएनए के लिए कोड करती थी जो टीआरएनए एलेनिन को लोड करता है. अरे ये टीआरएनए है ना, ये टीआरएनए यहां पर कौन जुड़ा है? एलेनाइन. तो इस वाले टीआरएनए के लिए जीन बनाई
थी खुराना साहब ने, ठीक है। जो टीआरएनए एलेनाइन को लोड करता है उस टीआरएनए के लिए जीन बनाई थी जिसमें 77 बेस पेयर थे, याद मत करना। तो इस टीआरएनए के लिए जीन बनाई थी और ये नॉन फंक्शनल थी, लेकिन थोड़े दिन बाद में उन्होंने 1979 में खुराना वाज एबल टू सिंथेसाइज ए फंक्शनल टायरोसिन टीआरएनए जीन। अब की बार इन्होंने एक ऐसी जीन बनाई जो इस वाले टीआरएनए के लिए कोड करती थी, यहां पर टायरोसिन जुड़ता हो, टायरोसाइन ये जुड़ता हो, इसके लिए जीन बनाई और इसमें 207 बेस पेयर थे। तो आर्टिफिशियल जीन सबसे पहले किसने बनाई? खुराना साहब ने। आर्टिफिशियल डीएनए सबसे पहले किसने बनाया? आर्टिफिशियल डीएनए सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने। बात ध्यान रखना, डीएनए और जीन में फर्क है। डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, लेकिन जीन वो है जो किसी के लिए कोड करती है, जो एमआरएनए बनाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट। सिंस देन नंबर ऑफ जीन्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। तो ये हमारी बात होती है यहां तक की। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो वीडियो देख लेना, और वीडियो देख के भी क्लियर नहीं हो तो कल के लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है। अभी चलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है, ओके। प्रियंका, हाँ, ब्लंट एंड, अगर मान लो, अगर